ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 11 अक्टूबर की श्रवदान में। जिम्मेवारी हमारे पास सारी है और उसको जिम्मेवारी को अगर हम बोझा बना लें और वो बनाने का भी हम तरीका सीखेंगे आज, कैसे बोझा बनाते हैं और कैसे बोझे को हटाते भी हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जिम्मेवारी को मुझे सौंप दो और मैपन को ख़त्म करो। जिम्मेवारी मुझे सौंपोगे तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा तुम्हारे लौकिक कामों में, और बाकी जो अलौकिक काम है, सेवा के काम है, उसमें तुम हल्के हुए काम कर पाओगे। तो दोनों मुझ पर छोड़ दो। छोड़ना मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दो, लेकिन छोड़ना मतलब कि कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, किसके द्वारा होगा, वो सब कुछ की चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि अपने जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। बोझ बाप को दे, लेकिन क्या हम बोझ बाप को देते हैं कि हम बोझ अपने ऊपर ही लेते हैं? और बोझ देने और लेने में बस एक शब्द का अंतर है जो कि आज हम सीखेंगे। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, अर्थात उन्नति को पाते रहते हैं। अगर हम सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, या अगर हम लौकिक कार्य करते हैं, चाहे धन तन मन हर चीज़ के लिए अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, और उसमें अगर हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जो भी है ये मुझे करना है, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे किसी गाइडेंस नहीं चाहिए, मेरे को बुद्धि दी हुई है भगवान ने, मैं खुद से करूँगा, तो परमात्मा कहते हैं कि उसमें आप फिर चढ़ते नहीं, उसमें आप गिरते हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती है, वह है मैपन। तो परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं, हल्के रहने का तरीका क्या है? हल्का रहना मतलब कि हमें कोई भी अपवित्र संकल्प करके घृणा होगी, नफरत होगी, या किसी के प्रति प्रतिशोध हो गया, या कुछ भी हो गया, नेगेटिव फीलिंग्स रख करके अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं तुमने पहले ही अपने सामने बहुत सारी दीवारें बना ली। तो हम दीवार बनाते बनाते जाएं और हम सोचें हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज वो लॉ ऑफ कर्म नहीं कहता कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते, इसलिए सब जिम्मेवारियों को के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुरने हो रहो, मतलब कि निश्चिंत रहो, कोई भी हमें उत्तेजना ना है, कोई भी चिंता ना है, किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो। अब ये ही वो पॉइंट है जो कि डिसाइड कराता है कि हम परमात्मा को जिम्मेवारियाँ दे देते हैं, बोलते हैं कि भगवान सब कुछ आपका दिया हुआ है, धन दौलत संपत्ति जमीन वमीन सब कुछ आपको दिया हुआ है, ये तन भी आपको दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंपन में आ जाते हैं, मैं ठीक करूँगा, मैं ही, मेरे को ही पता है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैंपन को हटाओ तो सॉल्यूशंस निकलने शुरू होंगे। लेकिन जहाँ मैपन आएगा और अगर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, वहाँ पर हम गलती करना शुरू करते हैं, हम ओवर थिंक करते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या करना है, तो जो सिंपल सॉल्यूशन होता है उसको हम पार करके कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचना मतलब परमात्मा के ऊपर छोड़ना नहीं, मैपन मेरा चीज़ है, मेरी चीज़ है, मैं ठीक करूँगा, तो वहाँ पर परमात्मा की गाइडेंस खत्म हो जाती है, परमात्मा से योग खत्म हो जाता है, हम सारा बोझ अपने ऊपर लेते हैं, भारीपन आता है, और साथ में हमारी संबंध खराब होते हैं, या हमारा मन उनके प्रति बिगड़ता है, खराब होता है, और वहाँ पर हमारे अंदर बोझ आता है, भारीपन आता है, नेगेटिविटी आती है, और हम कहीं ना कहीं अपने सामने दीवार खड़ी करना शुरू कर देते हैं। लॉ ऑफ कर्म कहता है सब कुछ, और लॉ ऑफ कर्म का रचयिता कौन है? परमात्मा पिता स्वयं। फिर परमात्मा कहते हैं बाप के साथ कंबाइंड रहो। अब कंबाइंड कैसे रहें? अगर मन में किसी के प्रति गलत फहमी है, गलत इच्छा है, कुछ गलत उनके प्रति हमारे अंदर भावनाएं हैं, तो हम परमात्मा के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम देने वाले परिस्थिति का था, परमात्मा ने एक वरदान में परिस्थिति मतलब किसी और के द्वारा आई हुई हमारे लिए जो स्थिति हो रही है, तो परमात्मा कहा था कि परिस्थिति की अगर तुम ज़्यादा फोकस करोगे तो फिर तुम बाप को भूल जाओगे, और बाप हमेशा क्या करता है, सिंपल सोल्यूशन, साधारण सिंपल सोल्यूशन को दिखाता है, और हमारा मन क्या करता है, हमारा मन नेगेटिविटी की तरफ, क्या हो जाएगा, ऐसा ना कर दें वो लोग, ऐसा ना हो जाए हमारे साथ में, ऐसा हो गया तो क्या होगा, हम इस तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। तो बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है, भगवान का है, भगवान सेवा करवा लेगा, करावनहार करा रहा है, तो हल्के भी रहेंगे
और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। लेकिन मैं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, तो परमात्मा कहते हैं फिर अपने आप करो, अपने आप निपटो। वो चाहते नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हम ही क्या करते हैं, उनका हाथ छोड़ देते हैं मैंपन की कराने। तो ये मैंपन कैसे कैसे आता है हमारे मन के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता, कई दिन निकल जाते हैं, कई घंटे निकल जाते हैं, लास्ट में याद आता, अरे मैंने कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी, सोल्यूशन तो कितना, सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था, मैंने अपने मन के अंदर ही कोई छोटी सी प्रॉब्लम को मैंने बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया, लेकिन सोल्यूशन सिंपल था। ये सारी चीज़ें हम ब्रह्म कुमारीज में सीखते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस है जो कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं, और ये आस्ते आस्ते इसकी आदत पड़ती है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार हैं चिंता लेने के और चिंतन करने के और परमात्मा से दूर होने के। तो ये सब कुछ ब्रह्म कुमारी में सिखाते हैं। प्लीज़ आप आएँ और इस कला को आकर सीखिएगा। ओम शांति इसके साथ।